लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। एक मरीज अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, पर तब क्या हो जब वही डॉक्टर आपको राहत देने की बजाय और बीमार बना दे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है बॉम्बे की वैराली के साथ। यूएस के डॉक्टर्स द्वारा किए गए गलत इलाज की सजा वैराली अब तक भुगत रही है। दिव्यांग वैराली ने अपने जैसे लोगों के लिए एक मुहिम शुरू की है, एक्सेसिबल इंडिया, ताकि दिव्यांग लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। पर वहां भी उसे मोदी सरकार द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला। जहां एक तरफ मोदी जी ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को 50% एक्सेसिबल बना दिया और इसी के साथ करोड़ों रुपए एड और कैंपेन पर खर्च कर दिए, पर एक्सेसिबल इंडिया की असलियत क्या है, आइए जानते हैं वैराली से। नेशनल बस के एडिटर अमनीक मोंगिया से खास बातचीत के दौरान वैराली ने मोदी की पोल खोलते हुए बताया कि हमारे साथ विराली हैं और ये बॉम्बे से आई हैं। विराली, क्या क्या आपको दिक्कतें महसूस हुई? थैंक यू। तो पहली बात तो ये, मैं एक्चुअली यूएस की हूँ, 17 साल वहाँ पे रही हूँ मैं। फिर मैं बीमार हो गई थी और फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। मुझे डिसेबिलिटी हुआ था 2006 में, मतलब 12 साल से मैं व्हीलचेयर पर हूँ। तो देखिए, एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, पहले तो इंडिया की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते और उसके लिए हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती है, तो वो एक सबसे बड़ा बैरियर है। दूसरी बात तो ये है कि जो सबकी मेंटालिटी है वो भी एक बड़ा बैरियर है। सबको ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटी है तो टैबू है, मतलब बहुत बुरी बात है, या फिर डिसेबिलिटी को एकदम मतलब पेडिस्टल पे रख देते हैं, या फिर एकदम सिंपैथी दिखाते हैं, कोई बीच का नहीं रहता। जो एम्पैथेटिक होना चाहिए वो नहीं है। और तीसरी बात तो ये है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बता रही है कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन करेंगे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कुछ हुआ तो नहीं है बॉम्बे में। चंडीगढ़ तो मैंने देखा काफ़ी एक्सेसिबल है, लेकिन बॉम्बे की बात तो कुछ और अलग है। तो ये तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। और आई गेस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम लोग बाहर नहीं निकलते तो लोग हमें देखते नहीं हैं, और उसके वजह से जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग घूरने लगते हैं कि कोई बंदी या बंदा सर्कस से आया, ऐसे घूरते हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। हम जब चेंज करेंगे तभी हम जैसे लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम जैसे लोग को सपोर्ट नहीं दिया जाता, और मतलब सबसे बड़ी बात तो फैमिली से सपोर्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि उन लोग के लिए बहुत नई बात है। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे एक्चुअली 2006 में मैं जब ही इंडिया आई थी तो मुझे मलेरिया हो गया था। मैं एक महीने बाद चली गई वापस यूएस में, और उन लोग को पता नहीं चला कि मुझे मलेरिया है। तो मुझे बुखार सर पे चढ़ गया, स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई थी, और मैं 3 बार मर के वापस आई हूँ। मैं कोमा में भी रही हूँ 23 दिन तक। और मेरा केस तो ऐसा था कि मैं नहीं बचने वाली थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के वजह से, मतलब उनका जो भरोसा था, उनका जो विश्वास था, उसके वजह से मैं बच गई। और मैं कोमा में से बाहर निकली, मेरे बर्थडे के दिन पे ही मैं निकली हूँ। और जब भी मैं निकली तभी डॉक्टर्स को लगा था कि शायद मैं ब्रेन डेड होंगी या फिर मुझे एमनीजिया हो जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गले से नीचे हाथ पैर कुछ नहीं चल रहे थे, सेंसेशन नहीं था। बट इलाज करवाते करवाते अभी घुटने तक ठीक हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है लेकिन ठीक हो जाएगा। तो आप जो ये अब इतना लंबा आपका सफ़र रहा, तो वो अल्टीमेटली डॉक्टर्स का ये कसूर है जो आज आपको झेलना पड़ रहा है जी। तो डॉक्टर्स के ऊपर कोई कार्रवाई या कोई शिकायत वहाँ की आपने? जी, मैंने यूएस में एक लॉसूट फाइल किया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं और डॉक्टर और हॉस्पिटल के जो लॉयर्स होते हैं, वो लोग ने बीच में सेटलमेंट कर दिया जहाँ पे मुझे मेरा इंसाफ नहीं मिला। तो वो, अगर आपने सूट्स देखी है, एक सीरियल है यूएस सीरियल, उसमें यही दिखाते हैं। तो अब आपका आगे क्या प्लान है लाइफ का, कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि घुटने तक आपकी सेंसेशन आ गई है, तो धीरे धीरे भगवान करे सारी ठीक हो जाए, तो आगे क्या प्लान किया हुआ है? जैसे आप एक्टिंग भी कर रही हैं, और क्या कुछ कर रही हैं? मैं अभी फ़िलहाल मोटिवेशनल टॉक्स कर रही हूँ। मैं एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करती हूँ जिनका नाम है इनेबल ट्रैवल। डिसेबल लोग के लिए हम ट्रिप्स बनाते हैं। मैं एक डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, राइटर भी हूँ, मॉडल और एक्ट्रेस भी हूँ। मैंने सलमान खान जी के साथ शूटिंग किया है बीइंग ह्यूमन कैंपेन के लिए।
देखो पहले से ना मुझे यही बड़ा शौक रहा है कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग करना है, और अभी भी वही शौक है. लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इंडिया को एक्सेसिबल बनाना चाहती हूँ. मैंने केरला में 6 स्टेशंस को फुल्ली एक्सेसिबल बना दिया है, व्हीलचेयर एक्सेसिबल, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है कोई भी व्हीलचेयर पे आए तो. लेकिन मेरा आगे जाकर भी यही रहेगा कि मैं इंडिया को एक्सेसिबल बनाऊँ. मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के ज़रिए मैं एक्सेसिबल बना सकती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो वो अमल होके रहेगा, मुझे ऐसा लगता है. आपने कहा कि अभी इंडिया में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत दिक्कत है, जो स्पेशल लोग हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी तक आपने कोशिश की या लोगों से मिले, या क्या पॉजिटिव रिस्पांस रहा, या आपको स्ट्रगल करके मिला, या बिल्कुल ही एकदम निकार दिया आपका? पॉजिटिव रिस्पांस रहा है केरला से. बाकी बॉम्बे हो या दिल्ली हो, वहाँ से मुझे ज़्यादातर रिस्पांस नहीं मिला. नेगेटिव रिस्पांस ही मिला है कि अगर हम ये करते हैं तो उसमें हमारा क्या, मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ, खुला में बोलूँ तो यही बोला है उन्होंने. क्योंकि जो भी है पॉलिटिक्स है तो वो लोग ही बेहतर जाने, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं. लेकिन केरला से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. वहाँ के जो DRM है स्टेशन के, डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी हेल्प की है. गवर्नमेंट ने मुझे कोई हेल्प नहीं किया, तो एक इंडिविजुअल बेसिस पर मैंने ये सब किया है. और मेरा यही विनती है कि आगे जितने भी स्टेशंस हो, DRMs हो, या फिर पीयूष गोयल जी अगर ये सुन रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है, अगर आप एक्सेसिबल बनाते हो तो अभी इंडिया के पॉपुलेशन में 2% ऑफ द पॉपुलेशन है जो डिसेबल्ड है, तो अगर उनके लिए हम इंडिया एक्सेसिबल बना दें तो वो लोग कितना आगे बढ़ जाएंगे उनके लाइफ में, वो अंदाज़ा नहीं है. तो आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो दिल्ली बॉम्बे का बहुत ख़राब रहा है, और सिर्फ केरला में, वो भी एक पर्सनल लेवल पे अच्छा रहा जी. तो अब आपका जो गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि आप एक्टिंग भी कर रही हैं और आप कोशिश भी कर रही हैं, तो अब आप आगे क्या मैसेज देना चाहती हैं गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को यही बोलना चाहती हूँ, विनंती करती हूँ आपको कि आप इंडिया को एक्सेसिबल बनाइए. क्योंकि हम जैसे लोग हैं, हम बाहर आना चाहते हैं, हम बाहर नहीं आ पाते. अगर आप एक्सेसिबल बनाएंगे तो हम बाहर आएंगे, हम काम भी कर सकते हैं, हम हमारी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं. हम दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड है, आप जो भी टर्म यूज़ करो, इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल सी लाइफ नहीं जी सकते. और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से हम नॉर्मल सी लाइफ नहीं जी पा रहे, तो हम विनती करती हूँ प्लीज़ एक्सेसिबल बनाए इंडिया को. थैंक यू. अभी विराली से हमारी बात हुई है और इन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट लफ्जों में कह दिया है कि हिंदुस्तान में कोई भी चेंज नहीं आई है, चाहे वो मोदी प्रधानमंत्री बने, चाहे मनमोहन सिंह बने, सोच हिंदुस्तान की वही है. तो जो केरला के अंदर इनको सपोर्ट मिली है, वो भी एक पर्सनल लेवल पे, जो वहाँ के रेलवे के इंचार्ज थे, हेड थे, उनके पास कोई पावर थी तो उन्होंने इनको सपोर्ट कर दिया. लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में तो वो भी नहीं किया. तो ये कोई हिंदुस्तान को, कोई जिस तरह से बीजेपी पहले नारा दे रही थी शाइनिंग इंडिया और अब स्किल इंडिया और एक्सेसिबल इंडिया, वो बिल्कुल ये इनके वादे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट हो गया है, वादे ही हैं और ग्राउंड के ऊपर रियलिटी पे कुछ ये काम नहीं हुआ है. और इसकी बिल्कुल विराली एक जीती जागती सामने हमारे एक एग्जाम्पल बैठी हैं जिन्होंने खुद ये झेला है सब कुछ. रमनीक मुंगिया, नेशनल बस के लिए चंडीगढ़ से. नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.